खालदा है और मैं एक ऐसी माँ हूं जिसकी गोद उजाड़ दी गई है। 15 साल पहले मेरी शादी उस्मान से हुई। उस्मान एक बिजनेसमैन है। हम दोनों बहुत खुश थे। हमारी इज़्दवाजी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी, मगर मेरी औलाद पैदा होते ही मर जाया करती थी। हम दोनों यानी मैं और उस्मान पीर मुरीद मजार जो जहाँ कहता वहाँ जाते ताकि हमारी औलाद हो जाए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। 10 साल पहले हमारे घर चांद सा बेटा हो जिब्रान था। जिब्रान बचपन से ही सबका लाडला था, बहुत ज़हीन बच्चा था। वैसे तो हर माँ के लिए उसका अपना बच्चा बहुत ज़हीन होता है, मगर जिब्रान वाकई बहुत ज़हीन और उसके साथ साथ शरारती भी था। पता नहीं जिब्रान की शरारत को किसकी नजर खा गई। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। मगर मैं तो माँ हूँ, मेरा जिब्रान तो स्कूल गया है, आता ही होगा। मैं रोज जिब्रान का इंतजार करती हूँ, मगर जिब्रान मुझसे रूठ गया है। जिब्रान स्कूल से कब आएगा? क्या कहा? अली स्टैंड अप। उससे पहले क्या कहा था? कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब जानते हैं आप? यस मिस, खामोश रहो।
अली तुम बहुत बदतमीज हो गए हो, तुम पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो। किसी दिन मैं तुम्हें स्टोर में बंद कर दूंगी, फिर तुम्हारी सारी शरारतें गायब हो जाएंगी, समझे? सॉरी मिस। सिट डाउन। जिब्रान, स्टैंड अप। यस मिस। हमारा वतन पढ़कर सुनाइए। ना क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन, हे जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, सुहाना सुहाना है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। शाबाश, वेरी गुड। मेरा नाम गजाला है, मेरी उम्र 30 साल है, मैं एक टीचर हूँ। साइंस, सोशल स्टडीज और उर्दू पढ़ाती हूँ। मैंने बी एड किया है। मैं 5-7 साल से पढ़ा रही हूँ। मैं अपने हर स्टूडेंट को मेहनत से पढ़ाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट जो मैं पढ़ाती हूँ अच्छी तरह पढ़ ले और समझ ले, इसलिए मैं काफ़ी मेहनत भी करती हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, कुछ घरेलू मामलात ऐसे थे कि वक्त पर शादी नहीं हो पाई, और अब अच्छे रिश्ते भी आना बंद हो गए, इसलिए मैंने टीचिंग से ही शादी कर ली। जबकि मैं अपने भाई को सपोर्ट भी करती थी, लेकिन फिर भी घर का माहौल ख़राब होकर रह गया था। मेरे जहन पर हर वक्त यही टेंशन सवार रहती थी, इसलिए मेरा बीपी भी हाई रहने लगा था। मैं दिन ब दिन चिड़चिड़ी और बदमिजाज होती जा रही थी। और गज़वा हुसैनी के बाद लोग जोक दर जोक अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे थे। माजी, आपने तो हमारी सारी प्राइवेसी खत्म कर दी है। एक अच्छे खासे घर को स्कूल बना दिया है आपने। महविश, हम बाद में बात करेंगे। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? बच्चे चले जाएं फिर। आपको बच्चे पढ़ाने का इतना ही शौक है तो अपना बंदोबस्त कर लें आप। क्या कह रही हो महविश, होश में तो हो ना? मैं होश में ही हूँ, आपने हमारी जिंदगी तबाह की हुई है। अच्छा आप खामोश हो जाओ। मैं अब और खामोश नहीं रहने वाली। बच्चों आप लोग जाओ। देखो महविश, जितना हक तुम्हारा इस घर पे है ना, उतना मेरा भी है। ये घर आपका नहीं, मेरे शोहर का है। क्या? मगर ये तो अब्बा जी। अब ये घर मेरे शोहर के नाम पर है, और अगर आपको यहाँ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे हम लोग चाहते हैं। महविश, तुम बड़ी अजीब बातें कर रही हो। कामरान को आने दो, तुम्हारी शिकायत करूंगी उससे। अच्छा, आप कामरान से शिकायत के सिवा और कर भी क्या सकती हैं? Shut up! You shut up, okay? महविश ने साफ साफ कह दिया कि अपना बंदोबस्त कर लो। ये घर मेरे वालिद साहब का था, इस पर मेरा भी हक था। मगर ये दुनिया कितनी अजीब है। मेरी भाभी, जिसे मैं दुल्हन बनाकर लाई थी, बड़ी बहन बनकर ख्याल रखती थी, उसने मुझे घर से जाने को कह दिया। मैंने भाई से बात करने की कोशिश की, मगर नहीं, महविश ने पता नहीं क्या घोल के पिला दिया था, उसने भी मुझे घर से जाने को कह दिया। मैं तन्हा लड़की कहाँ जाती? मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि मुझे 2-4 महीनों की मोहलत तो दे दो। ये वही भाई था जिसका मुस्तकबिल बनाने के लिए मैंने शादी नहीं की, और आज वही भाई मुझे घर से निकालने के लिए तैयार था। कामरान ने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया। मैंने घर आने वाले बच्चों को भी मना कर दिया कि अब मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी।
स्वीटहार्ट, टीचर ने डांटा है? नहीं। फिर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? टीचर ने ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया। क्यों? उनकी भाभी ट्यूशन पढ़ाना पसंद नहीं करती। मैं तो दिल चाह रहा था महविश को जान से मार दूं। महविश कौन? महविश वही चुड़ैल, टीचर की भाभी। बुरी बात बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो उनका आपस का मसला है। नुकसान तो हमारा हुआ ना, अब मैं ट्यूशन किससे पढ़ूंगा? कूल डाउन, तुम परेशान मत हो, मुँह हाथ धो लो, कुछ खा पी लो, फिर हम बात करेंगे। मुझे कुछ नहीं खाना। मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगी, वो घर आकर पढ़ा देगी। मैंने नहीं पढ़ना। जिब्रान मिस खजाला से बहुत ज्यादा अटैच था, बल्कि बचपन से ही बहुत ज्यादा अटैच था। खैर, मैंने जिब्रान को प्यार से समझाया। बच्चों को प्यार से समझाया जाए तो समझ जाते हैं। जिब्रान भी समझ गया। जिब्रान शरारती तो था ही, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा स्टूडेंट था। दो चार दिनों तक जिब्रान टेंशन में रहा, फिर सब कुछ मामूल पर आ गया। बच्चे भूल जाते हैं ना। मिस गजाला भी जिब्रान से बहुत ज़्यादा अटैच थी, बल्कि मिस गजाला जिब्रान की पसंदीदा टीचर थी। दो चार दिनों में जिब्रान नॉर्मल हो गया और मामूल के मुताबिक स्कूल जाने लगा, बल्कि पहले से ज़्यादा पढ़ाई में दिल लगाने लगा। एक माँ और क्या चाहती है, मगर कुदरत ने तो कुछ और ही लिखा था हमारी किस्मत में। मैं किताब हूँ, जो पूछो सोबत लाती हूँ, हर मुल्क की सैर कराती हूँ। जो बात समझना चाहो तो मैं चुप मुंह से समझाती हूँ। मैं काला पानी पीती हूँ और इनकी प्यास बुझाती हूँ। हर साल तुम्हारे बस्ते में मैं रूप बदल कर आती हूँ। मैं दुनिया में काम आती हूँ और जन्नत भी दिलवाती हूँ। लो बातें को उल्टा कर लो, मैं अपना नाम बताती हूँ। लाला, कौन बोला? कौन बोला? जल्दी बताओ वरना मैं पूरी क्लास को पनिशमेंट दूंगी। मिस वो जिब्रान। जिब्रान, स्टैंड अप। मिस ये झूठ बोल रहा है, मिस हमने कुछ नहीं किया। मिस बाहर आओ। मिस हमने कुछ नहीं किया। बाहर आओ। घंटे तो यहाँ पड़ा रहेगा ना, तब तेरी समझ में आएगा, समझे? मिस प्लीज, मिस प्लीज, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मिस प्लीज, मुझे अंधेरे से डर लगता है। जिब्रान को स्टोर रूम में बंद करके मैं क्लास में आ गई। मैं अक्सर बच्चों को स्टोर रूम में बंद करके सजा देती थी, दो चार घंटों की सजा। हमारे स्टोर रूम की कई कहानियां मशहूर थी। कोई कहता था स्टोर रूम में किसी बुजुर्ग का साया है, कोई कहता था किसी हिंदू का भूत है, कोई कहता था जिन है, वगैरह वगैरह। मगर इस स्टोर में काल कबाड़ के सिवा कुछ भी ना था। बच्चे उस रूम से बहुत डरते थे। मैं संगदिल औरत नहीं हूँ, मैं तो अपने स्टूडेंट्स पर जान देने को भी तैयार थी। यही वजह है कि मैं स्कूल के बाद भी ट्यूशन पढ़ाती थी और फीस भी नहीं लेती थी। बच्चे मुझसे डरते भी थे और बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। जिस दिन मैंने जिब्रान को स्टोर रूम की सज़ा दी थी, वो जुम्मतुल मुबारक का दिन था। सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी होती थी। चौकीदार बाबा भी फ्राइडे स्कूल के बाद अपने घर चले जाया करते थे।
मैंने जिब्रान को स्टोर रूम की सजा दी थी वो जुम्मतुल मुबारक का दिन था। सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी होती थी। चौकीदार बाबा भी फ्राइडे स्कूल के बाद अपने घर चले जाया करते थे। अमूमन जिब्रान 2:15 से 2:30 बजे तक स्कूल से घर आ जाया करता था। उस दिन जुम्मा था। जुम्मे को जिब्रान 1:15 बजे तक आ जाया करता था। कभी कभी 10-20 मिनट लेट भी हो जाता था। स्कूल चूंकि करीब था इसलिए जिब्रान पैदल जाता और पैदल आता था। वैन मैंने लगवाई थी मगर वैन वाला जिब्रान को 3 बजे से पहले ड्रॉप नहीं करता था, इसलिए जिब्रान पैदल जाना आना पसंद करता था। उस दिन जिब्रान 3 बजे तक जब नहीं आया तो मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे हाथ पैर फूल गए। जिब्रान मेरा अकलौता बच्चा था। मैं बार बार दरवाजे पर जाती और बाहर देखती थी। जिब्रान को अभी तक आ जाना चाहिए था। 4 बज गए। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने जिब्रान के फादर को कॉल की। हेलो उस्मान। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम घबरा गई क्यों? सब ठीक तो है ना? जिब्रान अभी तक घर नहीं आया है। खालदा तुमने तो मुझे डरा ही दिया। उस्मान मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं जिब्रान। कुछ भी नहीं हुआ उसे, आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, बच्चे बड़े होते हैं तो ऐसी हरकत करते हैं। अपने किसी दोस्त के घर चला गया होगा। फोन करो। मैंने उसके स्कूल फोन किया था। फिर? कोई उठा नहीं रहा है। भाई स्कूल बंद हो गया होगा। तुम खामखा हलकान हो रही हो। मैं इसके कान खींचूंगा, आइंदा वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। उस्मान मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम तो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा चढ़ा देती हो। अच्छा फोन बंद करो और जैसे ही जिब्रान आ जाए मुझे इतला करना। ओके ओके। शाम हुई फिर रात हो गई। जिब्रान नहीं आया। मैंने फिर उस्मान को फोन किया। उस्मान ऑफिस से फौरन घर आ गए। मेरा रो रो के बुरा हाल था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस माँ का बच्चा वो भी अकलौता हो, न
नाज से पला हुआ, मन्नत के बाद पैदा हुआ, ऐसे बच्चे की माँ के जज्बात बस एक माँ ही समझ सकती है। मैं बार बार बेहोश हो रही थी, उस्मान की हालत भी मुझसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी, मगर उन्होंने खुद को संभाला हुआ था। मेरी हालत बहुत खराब थी, फिर उस्मान जिब्रान को तलाश करने गए, मैं भी साथ थी। हम दोनों सबसे पहले जिब्रान के स्कूल गए। स्कूल पर ताला लगा हुआ था। हम बारी बारी जिब्रान को तलाश करने के लिए जिब्रान के स्कूल के बच्चों के पास गए। बस एक ही दोस्त था, अली। दोनों रात भर जिब्रान को तलाश करते रहे, फिर थाने हमने जिब्रान को हर जगह ढूंढा, मैदानों में जहाँ जिब्रान खेला करता था। हमने जिब्रान को वीडियो गेम्स की दुकानों पर भी तलाश किया। हमने जिब्रान को हर जगह तलाश किया। मेरे लिए वो रात जहन्नुम की, मैं बार बार बेहोश हो रही थी, मेरी सोचने समझने की कुव्वत भी खत्म हो गई थी, और उस्मान की भी यही हालत थी। मगर उस्मान ने खुद को संभाला हुआ था। मर्द तो वैसे भी बहादुर होते हैं, मैं औरत थी और एक माँ भी, खुद को नहीं संभाल पा रही थी। मगर अल्लाह जिसे गम देता है उसे सब्र और हौसला भी देता है। वो रात बड़ी भारी थी मुझ पर, मैं रात भर नहीं सोई और उस्मान भी जागते रहे। फिर उस्मान ने कहा, जिब्रान कहीं मिस गजाला के साथ उसके घर तो नहीं चला गया? हाँ यकीनन, उस्मान जल्दी चले, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। चलो चलो तुम मेरे साथ आओ।
जिब्रान भी इस गजाला से बहुत अटैच था। उस्मान ने सही कहा, गजाला के घर गया होगा। मगर मिस गजाला इतनी लापरवाह टीचर तो नहीं थी, वो हमें फोन करती। मगर रोशनी की आखिरी किरण मिस गजाला ही थी। हम दोनों उड़ के अपने बच्चे के पास जाना चाहते थे। उस्मान और मैं मिस गजाला के घर पहुंचे। सॉरी, लेकिन गजाला बाजी तो यहाँ से जा चुकी हैं। कहाँ? पता नहीं। प्लीज, आप उनकी भाभी हैं, आपको उनका एड्रेस तो पता होगा। देखिए आंटी, दरअसल बात यह है कि गजाला बाजी की अपने भाई से बनती नहीं थी और इसीलिए वो ये घर छोड़कर जा चुकी हैं। अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं। आप झूठ बोल रही हैं। सॉरी। देखें, आप मेरी बात को समझें। मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी? आप तसल्ली से काम लें। आप ऐसा करें कि उनके किसी कुलीग से मालूम कर लें, शायद वो पता बता दें। आप प्लीज उनके प्रिंसिपल का नंबर ही हमें दे दें। सॉरी, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। चलो खालदा, शुक्रिया। हमने मिस गजाला को हर जगह ढूंढा। मिस गजाला हमारे लिए आखिरी उम्मीद की किरण थी। हमने मिस गजाला को ढूंढने में 2 दिन लगा दी। बहुत देर हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था और मेरी गोद हमेशा के लिए उजड़ गई थी। जब स्कूल खुला तो मैं कातिल बन चुकी थी। जिब्रान की लाश स्टोर रूम में पड़ी हुई थी। मुझे और चौकीदार बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कसूर मेरा था, लापरवाही मेरी थी, मैं कातिल थी। मैंने जिब्रान का कत्ल किया था। मैंने सच सच पूरी कहानी पुलिस को बता दी। बाबा बेकसूर था, मुझे सजा हो गई और आज मैं अपनी सजा काट रही हूँ। शायद ये सब मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। मैं जिब्रान से बहुत प्यार करती थी, आखिर वो मेरा स्टूडेंट था। टीचरों से इल्तिजा करती हूँ, प्लीज बच्चों को सजा जरूर दें, मगर लापरवाही ना करें।